नमस्कार, मैं आप लोगों का टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ नीट के इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। तो मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसका इफ़ेक्ट नीट और जेईई के एग्जामिनेशन पर काफ़ी बड़ा हो सकता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये ऑर्डर शेयर करना चाहता हूँ और साथ ही इसका क्या इफ़ेक्ट होगा नीट के एग्जामिनेशन पर, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पर एक आर्टिकल में ऐसा लिखा है, नेगेटिव मार्किंग इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बैड इन लॉ रूल्स मद्रास हाई कोर्ट। यानी उन्होंने जो नेगेटिव मार्किंग है उसके बारे में कुछ ऑर्डर दिए हैं, नए रूल्स भी दिए हैं और उसका ओपिनियन भी दिया है। तो मैं आप लोगों के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इंटेलिजेंट गेसिंग और वाइल्ड गेसिंग दो अलग अलग चीज बताया है। इंटेलिजेंट गेसिंग वो लोग प्रमोट कर रहे हैं और साथ ही वो लोग चाहते हैं कि वाइल्ड गेसिंग भी हो, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। नीट और जेई के एग्जामिनेशन में जो नेगेटिव मार्किंग होता है उसे हटाया जाए और उसके साथ ही उसके रिगार्डिंग कुछ ओपिनियन भी दिया है। तो बेसिकली मद्रास के हाई कोर्ट ने यह कहा है कि इंटेलिजेंट गेसिंग होना चाहिए, उसके साथ ही नीट और जेई के एग्जामिनेशन में जो नेगेटिव मार्किंग होता है उसे हटाया जाए। अब इसका क्या इफ़ेक्ट होगा वह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर इसका नीट पर इफ़ेक्ट देखा जाए तो नीट का एग्ज़ाम अब तक कंडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन रूल्स जो है पब्लिश हो चुका है। मार्किंग का स्कीम भी जो है पब्लिश हो चुका है। तो हो सकता है इस साल यानी नीट 2019 में इसका कोई इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन जेई का एग्जामिनेशन है। आप सबको पता ही होगा कि एग्ज़ाम जेई का ऑलरेडी हो चुका है और सेकेंड वाला अभी जो है बाकी है। तो फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग था, इसलिए इसका यह मतलब होगा कि इस साल जेई में भी इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो एनटीए के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, अगर एनटीए इसका बात मान लेता है तो हो सकता है कि नीट का रूल्स चेंज हो जाए। तो जो भी न्यूज़ होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और जैसा भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा वह मैं आपको बता दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और साथ ही नोटिफिकेशन का बेल दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।